हेलो एंड अगेन वेलकम टू पढ़रे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो चलिए भाई, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वॉइड्स के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। मैंने बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लाई करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लाई करता है, एफसीसी में कितने होते हैं, एचसीपी में कितने होते हैं, तो वो सब हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो चलो आगे, हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो वो आपने देखे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, आप उनका आंसर बताना एंड फिर देखते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट में हमने फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड वो सब। तो ये हमारी सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 8 है, ठीक है। तो ये हमारी सॉलिड स्टेट क्लास नंबर 8 है। तो आओ जी देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन, ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन थे हम वो सीसीपी से रिलेटेड पूछ रहे थे, अब तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको एचसीपी से रिलेटेड भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला कि एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो ये बोला कि ए जो है वो आपका 2/3 है ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2/3 है। एंड यहां पे इन्होंने बोला है कि बी जो है ना वो आपका एचसीपी में है, इस बार बी जो है वो आपका एचसीपी में, ये कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए, अगर इसके एग्जांपल, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, अगर बी आपका एचसीपी है तो कितना हो जाएगा, 6। बी कितना हो जाएगा, 6। अब अगर बी 6 है ना, तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स 6 हो गए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने क्या बताया था, डबल होते हैं, इन एटम्स का डबल होते हैं आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो कितने हो जाएंगे, 12। एंड ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, वो 6 ही हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि चलो ए जो है ना वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2/3 है, तो 2/3 की बात करोगे तो 4 बन जाएगा, एंड ये आपका 6 है। इसका सिंपलेस्ट रेशो लोगे तो वो बनेगा A2 एंड B3 बन जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से दिया गया है आपका, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पहली प्रॉब्लम, इसी सेम क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहां पे है ना कि बी एटम्स जो है वो एक्स पे हैं, अगर बी एटम्स जो है वो एक्स हो एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी एक्स हो, तो ए एटम्स है ना, ए एटम्स जो है आपका वो आपका 2x/3 है, 2x/3 है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी का दूसरा मेथड बताया गया भाई, सिंपली ये इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जी। दूसरे एग्जांपल में आपसे क्या बोला गया, यहां पे दूसरे एग्जांपल में आपसे बोला कि ए आपका एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है एचसीपी, बी जो है वो आपका 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, बी जो है वो आपका 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, एंड सी जो है आपका वो 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो बताइए कि फॉर्मूला क्या बनेगा। अरे भाई आप सब कहां पे रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए हो क्लास में, क्लास में आए क्यों नहीं हो अभी तक, कहां पे रह गए हो, ठीक है, बंक नहीं चलेगी ऐसे, क्लास को बंक करना। तो अगर ए एचसीपी पे है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गए 6, बी यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का है ना, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 50%, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 12, 12 का 50% 6 आ जाएगा। सी सी जो है ये बोला कि एचसीपी जो है ना उसका 25% है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं आपका, तो जितने आपका, एक मिनट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएगा, ये इसको आप करेक्ट कर लेना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो 6 होंगे और 6 का 25% लोगे तो 6 का 25% होता है 1/4, 4 से नहीं इसको आप 3/2 लिख लो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 12, ये बी भी बनेगा 12, एंड ये बनेगा आपका जब आप इसके 2 से मल्टीप्लाई करोगे सी 6। सिंपलेस्ट रेशियो जब आप यहां पे लेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा आपका, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये कितना आएगा, ये आपका 3, तो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे, जब आप 3 को कॉमन लोगे तो A 4 बनेगा एंड B भी 4 बनेगा एंड C आपका 1 बनेगा,
तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना था। अब देखो जी, थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ाते हैं और एडवांस क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के हैं, एडवांस है ना। आप अगर इनके आंसर सही बताएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, लेकिन आप तो क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है भाई, है ना, क्लास में ही एबसेंट है आप तो सभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ए ए आपसे बोला गया कि वो सीसीपी है, ए आपसे बोला गया कि वो सीसीपी है, बी आपसे बोला गया कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे लाई कर रहे हैं, सी जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो इसका फॉर्मूला आप बना लोगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ ऑल एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, इफ ऑल एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, तो बताइए कि क्या फॉर्मूला आएगा, तो बताइए कि आपका क्या फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का। अगर हमने सभी को बॉडी, तो देखते हैं, समझते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ए सी सी पी है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, लेकिन यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा, ए कहां पे, सी सी पी का मतलब होता है आपका एफ सी सी, यानी कि यहां पे आपका 12 तो फेस के, सॉरी 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 सॉरी, 8 तो कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/2, एंड 6 फेस के सेंटर होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2। ये तो जब होता है जब आप कुछ रिमूव नहीं करते, जब भी आप एक बॉडी का डायगोनल हटाते हैं तो बॉडी के डायगोनल हटाने से एक बॉडी का डायगोनल क्या करता है, दो कॉर्नर को ले जाता है एंड एक बॉडी के सेंटर को ले जाता है, दो कॉर्नर को ले जाता है और एक बॉडी के सेंटर को ले जाता है। इसका मतलब अब जो कॉर्नर आपका पहले 8 थे ना, तो जब आपने बॉडी डायगोनल हटाया होगा अब वो आपका 6 रह गए हैं, वो आपका 6 रह गए हैं। इसको अगर आप देखोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगी 3 एंड ये आपका आ जाएगी 3। ओहो, यही तो मिस्टेक कर रहा हूं यार मैं, 1/8 आएगा, ठीक है ना। तो 6 1/8 एंड यानी कि ये बनेगा 3/4 एंड वो बनेगा प्लस में 3। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15/4, ए की वैल्यू 15/4 आ गई। देखिए बी जो है ना आपका, वो आपका बॉडी के सेंटर पे ही लाई करता है ना। वैसे कितने होने चाहिए थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8 होने चाहिए था 8, लेकिन अब देखो जब एक बॉडी डायगोनल हटाया ना, तो एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं, तो इसका मतलब माइनस कर देंगे 2 को, -2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास भी। अगर आप यहां पे सी की बात करेंगे, सी की, तो सी क्या आ जाएगा आपका यहां पे, जब आपने एक बॉडी डायगोनल को हटाया होगा तो एक बॉडी डायगोनल पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी लाई करता है, एक बॉडी डायगोनल पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी लाई करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए थे, 4। अब एक चला गया तो कितने बच गए, 3। कितने बच गए, 3। अब आप फॉर्मूला बनाइए इसका, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो ए आ जाएगा 15/4, बी आ जाएगा आपका 6 एंड सी आ जाएगा आपका 3। सी आ जाएगा 3, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 24 एंड ये आपका 12, ये कितना आ जाएगा 12। इस 12 जो है ना, अगर आप देखेंगे तो इसको आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, जैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये इस लैटिस का ये आपका फॉर्मूला बनेगा, है ना। अगर एक बॉडी डायगोनल हटाओगे तो काफी चेंज देखने को आपको मिलेंगे, अगर एक बॉडी डायगोनल आप हटाओगे तो आपको काफी चेंज देखने को मिलेंगे। क्लियर सर, ओके मृदुल, ओके वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं अब आपसे, एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल देता हूं आपको, परफेक्ट है ना, कुछ भी अब आपसे सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला सेम क्वेश्चन, आप समझ लो कि पिछले वाले का ही पार्ट है, कंडीशन वही है सब। ऑल एटम्स अलोंग वन फेस आर रिमूव्ड, देखना अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे आपसे बोला गया ऑल एटम्स अलोंग वन फेस आर रिमूव्ड, ऑल एटम्स अलोंग वन फेस आर रिमूव्ड। अगर अब आपने एक फेस के अलोंग जितने भी एटम्स हैं उनको हटा दिया तो बताइए अब फॉर्मूला क्या होगा। तो ए कहां पे लाई कर रहा था, मैं दोबारा से लिख देता हूं, ए सीसीपी पे लाई कर रहा था, बी टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रलोइड्स पे लाई कर रहा था, सी ऑक्टाहेड्रलोइड्स पे लाई कर रहा था। देखिए एक जो फेस का सेंटर होता है ना, एक जो फेस होता है वहां पे क्या क्या चीजें लाई करती हैं, तो एक फेस पे अगर आप देखोगे चार तो कॉर्नर होते हैं, एक दो तीन चार, चार कॉर्नर एंड चार ही एज के सेंटर होते हैं, चार ही एज के सेंटर होते हैं, ठीक है ना। तो चार ही एज के सेंटर भी हो गए, ठीक है, चार के एज सेंटर, तो चार कॉर्नर गए होंगे और चार एज के सेंटर गए होंगे और एक आपका फेस का सेंटर भी गया होगा, एक फेस का सेंटर। अब देखिए अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितने थे भाई, ए का मीनिंग बनता था कि आठ कॉर्नर होते थे, चार कॉर्नर चले गए, कॉर्नर कितने बचे चार, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1/8। फेस के सेंटर कितने होते थे छह, एक फेस का सेंटर चला गया कितने बचे पांच, इंटू में कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। यहां से जब देखोगे ये भी आ जाएगा 1/2, इसको देखोगे तो ये आ जाएगा आपका तीन, कितना आ जाएगा तीन ए। अगर बी की बात की जाए, अगर बी की बात की जाए तो वो क्या बनेगा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर बी की बात की जाए तो वो क्या बनेगा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बी की बात करते हैं यहां से स्टूडेंट्स, देखिएगा तो बी में क्या था, टेट्राहेड्रलोइड्स, तो क्या टेट्राहेड्रलोइड्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, टेट्राहेड्रलोइड्स पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेट्राहेड्रलोइड्स बॉडी के डायगोनल पे लाई करते हैं और यहां पे बॉडी के डायगोनल के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो ये आपका आठ के आठ ही रहेंगे, ये आपका आठ के आठ ही रहेंगे। अगर बात करें सी, अब ऑक्टाहेड्रलोइड्स एक तो पूरा बॉडी के सेंटर वाला, उसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब 12 एज थी, कंट्रीब्यूशन 1/3 था, 12 में से 4 चली गई, 8 बची, कंट्रीब्यूशन 1/3 ही, कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहां पे आपका, तो वो होगा 1/4, कितना होगा वो आपका कंट्रीब्यूशन होता है एज का 1/4, जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3, यहां से क्या आ जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी आपका, फॉर्मूला बनेगा A3 B8 and C3, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर, तीसरा सेम कंडीशन वही कि ए सीसीपी पे, बी टेट्राहेड्रलोइड, सी ऑक्टाहेड्रलोइड्स। अब इन्होंने कहा कि वन एज आर रिमूव्ड एटम्स अलोंग वन एटम, वन एज आर रिमूव्ड, अगर एक एज के अलोंग हमने एटम्स को रिमूव कर दिया है तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जब भी एक एज के ऊपर क्या है, एक एज के ऊपर दो कॉर्नर होते हैं और एक एज का सेंटर होता है, एक एज के ऊपर दो कॉर्नर होते हैं और एक एज का सेंटर होता है, तो देखिए ए कितना आएगा, तो आठ कॉर्नर, आठ में से दो चले गए तो छह इंटू में 1/8, फेस के सेंटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छह इंटू में 1/2। बी की अगर आप बात करोगे बी की, तो वो क्या बनेगा जी, बी आपका बी की बात कर रहे थे तो बी एच वो था टेट्राहेड्रलोइड्स, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो आठ के आठ। सी जो था वो ऑक्टाहेड्रलोइड्स, तो एक ऑक्टाहेड्रल, एक तो प्लस का था ये बॉडी के सेंटर वाला, 12 में से 11 हो गए और इसका आ जाएगा 1/4, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 15/4, इसको सोल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, ये भी 15/4 ही है ना, ये भी 15/4 ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, ए 15/4, बी आ जाएगा 8, सी आ जाएगा 15/4, 8 से इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कर देना भाई, 8 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ए आ जाएगा 15, बी आ जाएगा 32 एंड सी आ जाएगा 15, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दें, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई आपका, अभी एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं तो बस परफेक्टली ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई, बिल्कुल लैंग्वेज में लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे आपसे। तो इन्होंने बोला है कि ए कंपाउंड है हमारे पास, ए कंपाउंड ए एक्स बी वाई सी जेड फॉर्म ए एबसीसी लैटिस वेयर ए इज ऑक्यूपाइड ऑल द कॉर्नर, बी ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द फेस सेंटर्ड एंड सी is occupied by half of all the octahedral voids. तो बताइए value of xyz की value क्या होगी? ठीक है। तो a corner पे lie कर रहा है, FCC की बात है, a सिर्फ corner पे lie कर रहा है। तो a corner कितने होते हैं भाई? Corner 8 होते हैं और contribution कितना होता है? 1/8 होता है। तो इसलिए a की value आ जाएगी 1.
बी इज ऑक्यूपाइड टू थर्ड ऑफ द फेस सेंटर्ड. अब फेस सेंटर कितने होते हैं भाई आपके पास? छह फेस होते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो तीन होते हैं. और तीन का 2/3 ले लो, तो तीन तीन का 2/3 कितना होगा? टू. टू यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई. और z की बात करते हैं, z इन्होंने बोला है कि ऑक्यूपाइड बाय वन ऑफ द ऑफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? FCC में चार होते हैं, और उसका भी आपको क्या ले लेना है, यहां पे हाफ ले लेना है ना. सी इज ऑक्यूपाइड बाई हाफ ऑफ द ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. तो ये भी कितना आ रहा है अपना? ये भी आपका 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है. 1, 2, 2. ऐसा तो कोई हमें नजर ही नहीं आ रहा भाई, ऐसा तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना. तो इसको देखते हैं. FCC for total all of the occupied C answer C answer 4 answer X Y Z is 4. देखो एक मिनट, हाफ लिखा हुआ है यार यहाँ पे, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ. C is occupied by half of the all the octahedral words. तो octahedral words तो 4 ही होंगे, और 4 का हाफ तो 2 होगा. ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा इन्होंने, ऐसा कोई ऑप्शन इन्होंने दे नहीं रखा है. इसका यही आएगा भाई आंसर, 1, 2, 2. या तो हाफ काट दो, अगर हाफ नहीं हाफ काट दोगे तो ए बी आंसर आ जाएगा. या तो हाफ काट दो या हाफ लिखोगे तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में. तो इन्होंने बोला कि डायमंड हैज, बिल्कुल जैम में ऐसे क्वेश्चन परफेक्ट बैठते हैं भाई, ऑलरेडी पूछे. डायमंड हैज FCC अरेंजमेंट विद कार्बन एटम्स ऑक्यूपाइड ऑल द कॉर्नर्स, फेस सेंटर्ड एंड हाफ ऑफ द अवेलेबल टेट्राहेड्रल अवेलेबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड. FCC है तो एटम्स कहां कहां पे रहे होंगे? एटम रहे होंगे कॉर्नर पे, कॉर्नर पे रहे होंगे, एंड प्लस में आपका फेस के सेंटर पे रहे होंगे. तो कितना आ जाएगा यहां से? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 एंड कॉर्नर एंड ये रहा हाफ ऑफ ऑल द अवेलेबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स. तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं ना? 8 होते हैं, 8 का हाफ, तो ये ऐड कर देना 4. हाफ का इसका 8 का हाफ ऐड करोगे तो हो जाएगा ये, एंड ऐड करोगे तो 8 इज द करेक्ट आंसर. बोलो भाई जल्दी से, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? जल्दी से बोलिए. तो ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है. तो ये भाई आपका वर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, वर्ड से रिलेटेड कैसे कैसे चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, अब भाई इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है. रेडियस रेशियो रूल आपने पढ़ा होगा. अब हालांकि इसका बेस मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूं, बस आपका इसका बेस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं आपका, तो इसको समझने में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी होने वाली नहीं है. अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन रेडियस रेशियो. मान लीजिए भाई NaCl है, और आपको पता करना कि इसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है. FCC है, BCC है, क्या कहानी है वो, तो हम रेडियस रेशियो रूल से पता कर सकते हैं. देखिए आयनिक कंपाउंड है, कंटेन्स कटायंस एंड अनायन. एक आयनिक कंपाउंड में कटायन और अनायन दोनों होते हैं. कटायन स्मॉल साइज के होते हैं, अनायन बड़े साइज के होते हैं. जनरली कटायन इज स्मॉलर देन अनायन. तो होता क्या है भाई, मान लीजिए द कटायंस एंड अनायंस आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर. भाई आपने कटायन और अनायन को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि वो एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वॉइड वॉल्यूम, हम चाहते हैं कि जो वॉइड है ना, वॉइड्स की जो वॉल्यूम वो कम से कम हो जाए, तो इस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ मैनी बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स. हालांकि मैं स्ट्रक्चर के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, मैं जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उनकी स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ाऊंगा कि किसमें कौन कहां लाई करता है, कैसे लाई करता है, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाले एक दो लेक्चर में. तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैनी बाइनरी आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट
ऑफ वन ऑफ द आयंस व्हाइल अदर इज लोकेटेड इन इंटरस्टीशियल वॉइड्स, वो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे NaCl की स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा वहां पे देखिएगा, तो मैं कुछ आपको कहूंगा कि भाई इस कॉर्नर पे लाई करते हैं, फिर मैं कहूंगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे लाई करते हैं, है ना, ऐसे मैं बोलूंगा। अब देखिए, जो द रेडियस ऑफ कटायन, भाई कटायन छोटे साइज का होता है तो वो किसी वॉइड में जाके फिट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वॉइड है उसकी रेडियस आर है, तो अब आपको यही तो पता करना है ना कि किस रेडियस का कटायन इसके अंदर फिट हो सकता है, क्योंकि छोटा होता है कटायन। द रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन प्ले अ विटाल रोल इन डिटरमाइनिंग The arrangements of ionic compound in the crystal lattice. The ionic compound have different arrangement for different range of radius ratio. अब ये radius ratio मैं सभी का आपको निकलवा चुका हूँ, ये radius ratio मैं सभी का निकलवा चुका हूँ, fifth lecture देख लेना। While calculating the radius ratio, it is assumed that the cations and anions are hard spheres. यह हमने मान लिया कि वो हार्ड स्फीयर और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टचिंग इज अदर। कटायंस इज सराउंडेड बाय एज मेनी अनायंस एज पॉसिबल सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। देखिए भाई, एक कटायन को मैक्सिमम अनायन घेरेंगे तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और उतना ही बढ़िया आपका क्रिस्टल बनेगा, बढ़िया बनेगा, उतना ही स्टेबल क्रिस्टल आपका बनेगा। दिस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट, है ना। This promotes the formation of a closed pack arrangement. The following table represents the range of cation to anion ratio. It is corresponding structure explained and coordination number. ये है जी वो table जो मैंने आपको solve करवाई थी, है ना, कुछ हद तक आपको idea लग जाएगा। तो देखिए, आपने भाई क्या किया, यहाँ पे एक cation लिया और एक anion लिया, ठीक है। एक कटायन की रेडियस आपको पता थी और एक अनायन की रेडियस पता थी, उन दोनों का जब आपने रेशियो निकाला, अगर उसकी वैल्यू आपका 0 से लेके 0.15 के बीच में आ जाए, 0 से लेके 0.155 के बीच में आ जाए, तो कॉन्फिगरेशन ऑफ आयंस जो होती है वो लीनियर होती है, लीनियर तरीके से अरेंज रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास नहीं है। अगर आपने कटायन और अनायन, याद करो ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए मैंने आपका ये डाटा निकलवाया था, ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए, ठीक है। अगर आपका रेडियस ऑफ कटायन बाय में रेडियस ऑफ अनायन 0.155 से लेके 0.225 के बीच में आ जाए, तो वहां पे आपकी जो अरेंजमेंट आएगी एटम्स की वो ट्रायंगुलर आएगी, ट्रायंगुलर वॉइड्स, यानी कि आपने वहां पे आपका जो कटायन वो ट्रायंगुलर वॉइड्स में रखा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसा भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है। अगर आपका रेडियस रेशियो का जो आ रहा है वो अगर आपका 0.225 से लेके और 0.414 के बीच में आए, तो वहां पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ऐसे है ZnS टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो है ना, तो वो आपको मिलेगी कॉपर क्लोराइड हो गया, CuBr हो गया, CuI हो गया, है ना, HgS हो गया, BaS हो गया, ये सब आपका यही अरेंजमेंट शो करते हैं। अगर रेडियस ऑफ कटायन बाई अनायन आपका आ रही है 0.414 से लेके 0.732, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आती है एंड ये 6 हो जाएगा। NaCl टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है NaBr, KBr, MgO, ये सब। उसके बाद अगर आपका रेडियस रेशो का जो रूल है अगर वो ये आ रहा आपका यहाँ से ये, तो वो क्यूबिक आ जाएगी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सीजियम क्लोराइड टाइप की जो होती है ये आ जाएंगे। अगर आपका रेडियस ऑफ कटायन बाई में अनायन का रेशो 1 आ जाए, तो या तो वो FCC होगी या वो HCP होगी, और दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है। तो इससे रिलेटेड भाई मैं आपको एक दो MCQs जरूर करवाना चाहूंगा, इससे रिलेटेड भी आपको MCQs मिल सकते हैं। हालांकि जब मैं कल आपको पढ़ा दूंगा ना, ये कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको ये चीजें थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आइए, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई, ये छोटा सा टॉपिक है, डाटा बेस्ड है, याद रखना पड़ता है आपको। इन एन आयनिक कंपाउंड ऑफ AB, है ना, इन आयनिक क्रिस्टल, है ना, इन एन आयोनिक क्रिस्टल ऑफ AB,
आपके पास AB का एक आयोनिक क्रिस्टल है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कटायन है आपका वो 80 है, एंड यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कटायन की जगह आप ऐसा लिखो कि रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव जो है वो 80 है ना, एंड रेडियस ऑफ बी नेगेटिव है जो वो आपका 200 है। तो इसका बताओ कि यहाँ पे भाई ये किस टाइप का रहेगा, टेट्राहेड स्ट्रक्चर कैसी आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा आएगा ये। तो यहाँ पे जब आप करेंगे आर पॉजिटिव बाई में आर बी नेगेटिव, तो वो आएगा आपका 8/20। इसको भी जब सोल्व करोगे वो आएगा 0.4। अगर 0.4 आ गया तो वो आ जाएगा आपका ZNS टाइप का, एंड वो बनेगा जी आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वोइड्स यहाँ पे आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? ये एक सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन था। पहले तो आपसे ये है कि आपसे डिटरमाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर अडोप्टेड बाय ए बी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटरमाइन वॉइड्स इन विच कटाइन इज प्रेजेंट, किस टाइप का वो वॉइड होगा। और तीसरा डिटरमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कटाइन। तो तीन चीजें हैं ये भाई, किस टाइप की स्ट्रक्चर को अडोप्ट करेगा, ZNS टाइप की, उसके बाद किस टाइप का वॉइड है जहां पे कटाइन प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। एक और क्वेश्चन अगर आप कहो सेम वही डाटा देके, तो ये पूछा जा सकता है कि आर ए पॉजिटिव जो है वो आपका 120 है, एंड आर बी नेगेटिव जो है वो आपका 240 है। तो ये अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे आर ए पॉजिटिव एंड आर बी नेगेटिव, तो वो हो जाएगा आपका 120/240। तो ये आ जाएगा आपका 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये 0.5 आएगा आएगा तो ये NaCl टाइप की कैटेगरी में आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। चलो ये तो पहले टाइप के क्वेश्चन है जो यहां से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या रहेगा। आपको एक आयनिक कंपाउंड ए बी है ZNS टाइप, अब आपको बता देगा कि इस टाइप का है। ठीक है ना? तो देखिए एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख देता हूं, एन आयोनिक कंपाउंड ए बी हैज ZNS टाइप स्ट्रक्चर। ZNS टाइप स्ट्रक्चर है भाई हमारी, ZNS टाइप स्ट्रक्चर है। इफ रेडियस ऑफ अनायन इज दिस, तो बताइए कि आइडियल रेडियस ऑफ कटाइन क्या होगी। इफ इफ रेडियस ऑफ इफ रेडियस ऑफ अनायन इफ रेडियस ऑफ अनायन इज कितनी गिवन आपको, 100 पिकोमीटर गिवन है आपका, एंड देन कैलकुलेट आइडियल रेडियस ऑफ कटायन। आइडियल रेडियस ऑफ कटायन, अब आपको यह पता होना चाहिए कि जेड एंड एस के लिए जो रेडियस रेशियो वो कितना होता है। तो आर पॉजिटिव एंड बाई में आर नेगेटिव, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो होगा 0.225, इतना होता है। अब ये आपको इसकी इसके निकालने, तो R पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 0.225 इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 100 के साथ। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22.5 पिकोमीटर, 22.5 पिकोमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इसके ऊपर करवा देता हूँ। ये तीन टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं यहाँ से रिलेटेड, एंड फिर अपना आप जो टॉपिक बच गया है वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड की स्ट्रक्चर। ठीक है ना, NaCl की जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है स्पेशली वो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर which can be fitted in an FCC structure formed by atoms of रेडियस 200 पिकोमीटर विदाउट
डिस्ट्रीब्यूशन द स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर. भाई स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे तो बताओ क्या फॉर्मूला है. तो भाई एफसीसी के लिए रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है. तो एफसीसी के लिए लिखेंगे आर, कैपिटल आर है ना, वॉइड का रेशियो एंड ये. तो वो कितना बताया था मैंने आपका 0.414. यहां से जो आर आ जाएगा क्योंकि कैपिटल आर तो ऑलरेडी 200 पिकोमीटर आपको गिवन है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना 0.414 इनटू में 200 से 200 पिकोमीटर. सोल्व करोगे तो आ जाएगा 82.8 पिकोमीटर आ जाएगा. एंड अब आपसे पूछा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस वो आपका 2R होता है. कितना होता है 2R. R क्या होता है आपका, ये रेडियस होता है. किसका रेडियस, वर्ल्ड का रेश, वर्ल्ड का रेडियस. तो 82.8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. बाकी का जो मैं देख लेता हूं भाई, शायद प्रीवियस ईयर अभी तक तो कोई नहीं आया होगा जैम में, या आया होगा तो भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके ऊपर. ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है भाई अभी तक. ठीक है, बाकी जो है भाई कल पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी. कल वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल वाली क्लास आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कल वाली क्लास को मिस करने की गलती ना कीजिएगा. कल वाली क्लास आपको जरूर से जरूर अटेंड करनी है. ठीक है, तो इस क्लास में करते हैं जी यहीं पे एंड. कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिस्टल होते हैं, NaCl, ZnS, सीजियम क्लोराइड, उनकी उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. कहाँ पे Cl नेगेटिव लाई करता है, कहाँ पे Na पॉजिटिव लाई करता है ना, कितने होते हैं, क्या होते हैं, कौन ऑक्टाहेड्रलोइड में, कौन टेट्राहेड्रलोइड में, ऐसे हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में. तो कल की क्लास के बाद, कल दो क्लासेस में कवर कर लेंगे उसको मैक्सिमम. उसके बाद तो वो बच जाएंगे हमारे पास, क्या बचेगा, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो होते हैं डिफेक्ट्स है ना, वो एक दो क्लास में डिफेक्ट्स हो जाएंगे. और उसके बाद फिर जो है ब्रैक्सला, उसके बाद मिलर इंडिसेस, तो होंगे अभी तो क्लासेस, तो सॉलिड स्टेट को काफी डिटेल में कवर करना है इस वीडियो में अभी के.